हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ को बैक साइड में बांधने के लिए डोरी कैसे बनाते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़ा जैसे इस तरह से ये सीधा है और यहाँ पे ये क्रॉस कपड़ा है। तो अभी ये पहले हम क्रॉस में इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे आपको पाइपिंग चौड़ी या बारीक जितनी आपको जैसी चाहिए वैसी आप जैसे 1 इंच भी कटिंग कर सकते हैं या 1.5 इंच भी कट कर सकते हैं। तो आपको जैसी पाइपिंग चाहिए वैसे आप इस तरह से ये कपड़ा कट करना पड़ता है। तो ये पाइपिंग के लिए कपड़ा जो है इसे क्रॉस में ये पट्टियाँ हमें निकालनी है। इस तरह से हमने ये पट्टियाँ निकाली है। अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड करके जितनी आपको चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी आप चौड़ी पाइपिंग ले सकते हैं और वहाँ से इतना ये छोड़ के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। जैसे हमने ये इस तरह से सिलाई लगाई है। अब सुई में हमने धागा लिया है और यहाँ पे हमने ये गांठ लगाई है। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच करके सुई को हमें उल्टा डालना है, इसमें उल्टा लेना है और इस तरह से हमें इसको पलटी करनी है। सुई को इस तरह से खींच के सुई को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके खींचना है। मशीन को इस तरह से या किसी भी चीज़ को आप बांधकर इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से खींच सकते हैं। ये इस तरह से हमारी ये ब्लाउज़ के लिए बांधने के लिए ये डोरी हमारी इस तरह से तैयार होती है। तो यहाँ पे नीचे के साइड से आप चाहे तो लटकन भी लगा सकते हैं, नहीं तो कपड़े का लटकन बना के इसको इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो जितनी चौड़ी चाहिए जितनी बारीक चाहिए उतनी आप सिलाई का मार्जिंग रख के आप ये डोरी तैयार कर सकते हैं।